तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी आंवले का रायता। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप ये रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दो आंवला ले लिया है और अब हम इसके बीज को निकाल के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया और यहाँ पे मैंने आंवले को भी कट कर लिया है, हम इसे इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप नारियल ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले लिया जिसे बीज से तोड़ लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है और अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें 1/2 कप मैंने यहाँ पे फ्रेश कर्ड ले लिया है, हम इसे डाल देंगे और इसे भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे भी एक बार ग्राइंड कर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने मिला लिया है और मैं इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सरसों डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ले लिया जिसे बीच से तोड़ लिया है और 1 स्प्रिंग करी लीव्स। और अब तड़का बिल्कुल तैयार है और अब हम तड़के को रायते में डालेंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब तड़का भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा आंवले का रायता बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।